हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के डिलीट किया हुआ मैसेज को कैसे देख सकते हो। क्या आप भी व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को देखना चाहते हो? क्या आप भी जानना चाहते हो कि व्हाट्सएप पे हम डिलीट किया हुआ मैसेज को कैसे देख सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल एसके ज्ञान। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहता हूं। जैसे कि गाइस यहां पे देख पा रहे होंगे, मैंने अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन ऑन कर लिया है और मैंने अपने फोन में दो व्हाट्सएप को लगा लिया है। यहाँ पे आप इजिली आप देख पा रहे होंगे गाइस। यदि आप भी चाहते हो, देखिए गाइस पहले ये रहा, पहला व्हाट्सएप ये रहा और दूसरा ये रहा। और गाइस यदि आप भी चाहते हो इसी तरीके से एक फोन में दो व्हाट्सएप चलाना, वो भी दोनों अलग अलग नंबर से, तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद। तो अब चलते हैं गाइस टॉपिक की ओर। जैसे कि गाइस यहां पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, जब भी कोई आपको मैसेज करता होगा वो बंदा यानी कि आपका फ्रेंड या दोस्त वो डिलीट कर देता है तो आप नहीं देख पाते होंगे। जैसे कि यहां पे देख पा रहे होंगे, मैं यहां से मैं कुछ भी मैसेज को टाइप कर लेता हूं फटाफट से। यहां पे देख पा रहे हैं मैंने टाइप कर लिया और यहां से मैं सेंड कर लेता हूं। गाइस जैसे ही मैंने सेंड किया है, यहां पे ऊपर में देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन आ चुका है और उस वाले व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुका है। और गाइस होता यह है, आप इस मैसेज को देखे भी नहीं होंगे और आपका फ्रेंड यानी दोस्त उसे डिलीट कर देता है कुछ इस तरीके से। यहां पे देख पा रहे होंगे डिलीट फॉर एवरीवन, इस तरीके से डिलीट कर देता है। अब आप जब भी व्हाट्सएप को ओपन करते होंगे और इस तरीके से आप ओपन करते होंगे तो यहां पे आपको दिखता होगा दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अब आपके मन में चलता है कि आखिर इस मैसेज में क्या था जो कि डिलीट कर दिया गया, और आप भी चाहते होंगे इस मैसेज को देखना यानी कि पढ़ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से। इसके लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने फोन का सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे कि गाइस यहां पे देख पा रहे होंगे मैंने अपने मोबाइल फोन का सेटिंग को ओपन कर लिया है। अब आपको यहां पे एक नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइस जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आपको मैनेज नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैनेज नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से मोर का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको फाइनली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री करके एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री के बगल में एक ऑप्शन है, इसे सिंपली ऑन कर देना है। गाइस आपके फोन में ये ऑप्शन ऑन ऑफ होगा, सिंपली आपको कुछ इस तरीके से ऑन कर देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस कुछ इस तरीके से ऑन कर देना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। और गाइस यदि आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है तो सिंपली आप डायरेक्ट सेटिंग में आके सर्च भी कर सकते हैं। सर्च आपको करना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, सिंपली कुछ इस तरीके से सर्च करना है और पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इस तरीके से भी आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं। जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं ये ऑप्शन आपको ऑन करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप ऑन कर देते हैं अब आपको बैक हो जाना है। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, आप जैसे चाहें वैसे सिंपली आपको ऑन करना है। अब मैं आपके सामने लाइव प्रूफ डेमो दिखाता हूं। गाइस आप इजीली इस मैसेज को देख सकते हैं, जो भी मैसेज आपको डिलीट कर देता है और वो आप नहीं देख पाते होंगे पहले, अब देख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं फटाफट से कुछ मैसेज को सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट से कुछ भी कर लेता हूँ, जैसे कि देख रहे हैं मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। क्या कर रहे थे
दो चार मैसेज मैं फटाफट से कुछ भी टाइप कर लेकर सेंड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने सेंड कर लिया है। अब गाइस उस वाले व्हाट्सएप पर ये मैसेज आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मैसेज आ चुका है। अभी मैं वो वाला मैसेज उस नंबर पे नहीं देखा हूँ, और यहाँ से मैं फटाफट से सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट फॉर एवरी वन इस पर क्लिक करके मैंने डिलीट यहाँ से कर दिया है। अब मैं इस वाले व्हाट्सएप को ओपन किया हूँ, और गाइस यहाँ पे देख पा रहे हूँ व्हाट्सएप दिस मैसेज वाज डिलीटेड यहां पे शो कर रहा है। अब आपको देखने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको सेटिंग को ही ओपन करना है, और मैंने जो अभी जिस तरीके से आपको बताया था सिंपली आपको उसी तरीके से नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे कि यहां पे देख पा रहे हो नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाला ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे यहां पे आइएगा आपको एक व्हाट्सएप का एक फोल्डर देखने को मिलेगा, यहां पे देख पा रहे होंगे 7 न्यू मैसेज करके भी है। सिंपली आप इस तरीके से इजीली जो अभी मैंने आपके सामने जो मैसेज किया था यहाँ पे देखने को मिल चुका है। उम्मीद करते हैं गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।